अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमलगम किचन्स। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी। उसके लिए चिकन लिया है हमने बोनलेस हाफ के जी, 4 से 5 हमने लिए हैं टमाटर, 1 बड़े साइज़ का हमने लिया है प्याज, 2 लिए हैं हमने शिमला जिनको हमने क्यूब में कट किया है, सफ़ेद सिरका है हमारे पास 1/2 टेबल स्पून, टमाटर का पेस्ट है हमारे पास 1 कप, 2 टेबल स्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस है हमारे पास 1 टेबल स्पून, केचप है हमारे पास 3 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है हमारे पास नमक, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है, 1 टीस्पून है गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर और खुश्क पिसा धनिया है हमारे पास 1/2 टेबल स्पून। व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने डाला है गार्लिक जिंजर। गार्लिक जिंजर डाल के 1 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होगा फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। गार्लिक जिंजर हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसमें डालते हैं चिकन। चिकन डाल के हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें 3 से 4 मिनट। व्यूअर्स, चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखें, चिकन को जितनी फ्राई करने की ज़रूरत होती है उस जितना वो फ्राई ना हो तो बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आता, इसलिए हमने अच्छे से फ्राई किया है। अब हम अपनी सब्जियां डाल देते हैं और सब्जियों के साथ ही हम बाकी के सारे मसाले डाल देंगे। पहले डालते हैं हम सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपने देखा मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ली है, धनिया पाउडर इस डिश में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सारे मसाले हमने डाल लिए हैं, अब अच्छे से हम इनको कर लेते हैं मिक्स। इस टाइम पे आके फ्लेम जो है उसको लो ही रखें ताकि सब्जियां हैं जो उनका कलर भी ख़राब ना हो, पकें भी और मसाले भी ना जलें। अब हम डालते हैं टमाटो पेस्ट। टमाटर के पेस्ट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगी सब्जियां। अब 2 मिनट हम इनको पकाएंगे। व्यूअर्स, हमारा चिकन और सब्जियां जो हैं तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम इसमें डालते हैं विनीगर। विनीगर हमने इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं विनीगर और सोया सॉस ताकि इनका जो फ्लेवर है ना दूसरे मसालों में ख़राब ना हो। और लास्ट पे डालते हैं केचप। अब इसको 4 से 5 मिनट हमने पकाना है, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हमने सारे मसाले डाल के पका लिए है, बिल्कुल परफेक्ट हमारी चिकन जलफ्रेजी रेडी है। चूल्हा करते हैं ऑफ और चिकन जलफ्रेजी को करते हैं डिश आउट। व्यूअर्स, हमारी चिकन जलफ्रेजी रेडी है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।